भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इंग्लैंड ने चौथी पारी में भारत के सामने जीत के लिए 194 रनों का लक्ष्य रखा था। भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और 54.2 ओवरों में 162 रनों पर ढेर होकर मैच गंवा बैठी। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान विराट कोहली ने 93 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 51 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। भारत ने तीसरे दिन का अंत 5 विकेट के नुकसान पर 110 रनों के साथ किया था। चौथे दिन कप्तान और उनके साथ नाबाद लौटने वाले दिनेश कार्तिक पर टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जेम्स एंडरसन ने कार्तिक को दिन के पहले ओवर में ही पेवेलियन भेज दिया। बेन स्टोक्स ने 141 के कुल स्कोर पर कोहली को आउट कर इंग्लैंड की जीत लगभग तय कर दी। स्टोक्स ने हार्दिक पांड्या को 31 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर भारत की पारी समेट दी। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में स्टोक्स ने 4 विकेट लिए। एंडरसन और ब्रॉड को 2-2 सफलताएं मिली। सैम कुरैन और आदिल राशिद को 1-1 विकेट मिला। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 287 रन बनाए थे। भारतीय टीम कप्तान कोहली के 149 रनों के बाद भी अपनी पहली पारी में 274 रनों पर ही सिमट गई थी। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड को 13 रनों की बढ़त मिली थी। इंग्लैंड के दूसरी पारी में 180 रनों पर आउट होने के बाद भारत को 194 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे वो पूरा कर नहीं पाई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।